okay now we're coming to the page number 34 this topic from the garrison town to empire the expansion of the temple sultans so this is the ex map the major cities captured by some iltutmish so you can see from north to the area of bihar till bihar because at that time this area was uh, a Covered with the forest, which is very difficult for the people to capture the rest of the areas. Okay, coming to the paragraphs here in the early 13th century, the control of the Delhi sultans really went beyond heavily fortified towns occupied by the garrisons. Okay, so in the 13th century, there was no significant expansion of Delhi. बियॉन्ड द हेविली फोर्टिफाइड टाउन ऑक्यूपाइड बाई द गैरिसन सो सपोज दिल्ली बॉज बाउंडेड और फोर्टिफाइड फोर्टिफाइड कहा जाए कि बड़ी बड़ी बाउंड्रीज या वॉल से दिल्ली घिरा हुआ था और उस टाइम दिल्ली एक गैरसन टाउन था अब गैरिसन टाउन क्या होता है जिसकी डेफिनेशन आपकी यहाँ दे रखिए Orange color me a fortified settled with the soldiers. So, this area is the area or town which is uh, which is live which is controlled and governed and uh, settled by the soldiers. So, at this time, the sultan controlled the hinterland. What is hinterland? The area which is near. और अर्जेसिंग टू दिटी और जहाँ से आपका सामान या ट्रेड आपका होता है उसे आप कहते हैं सो हे सुल्तान सेल्डम कंट्रोल हिंटरलैंड ऑफ द सिटीज एंड वर्स देर फॉर डिपेंड अपॉन द ट्रेड ट्रिब्यूट और basically the area from where your trade or the other lively things were attached. controlling garrison town in distant bengal and sindh from delhi was extremely difficult rebellion war even bad weather could snap a fragile communication route so i told you in this map here after your gomti river can you see that after this you can't go beyond because the communication is very weak because of the weather so this is challenges the mongols invasion from afghanistan and by the governor who rebelled at any sign of sultan's weaknesses the sultanate barely survived these challenges its expansion occurred during the regime of Gyasuddin Balman and Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq. So this is uh, now expanded by the Gyasuddin Balman and further Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq. Now we will see how the uh, two rulers have the control over the areas. So the first is the first set of कैंपेन अलोंग द इंटरनल फ्रंटियर्स ओके वॉट इज फ्रंटियर फ्रंटियर इज द वो एरिया जहाँ आपकी बाउंड्री खत्म होती है और दूसरे की बाउंड्री शुरू होती है बीच का जो गैप होता है उसको आप कहते हैं फ्रंटियर सो so, सुल्तान्स एंट एट कंसोलिडेटिंग द हिंटरलैंड ऑफ द कैरेसन टाउन सो सुल्तान क्या चाह रहे थे कैरेसन टाउन और हिंटर लैंड के बीच का जो एरिया है जिसको आप कहते हैं फॉरेस्ट वे जहाँ पे गंगा यमुना का एक द्वाब है गंगा द्वाब क्या होता है द्वाब वो एरिया होता है जहाँ पे दो रिवर के बीच में अगर थोड़ा सा लैंड हो या कुछ सेडिमेंट्स आके डिपॉजिट हो गए और लोग वहाँ रहते भी हैं और फॉरेस्ट भी है मतलब इट्स अ हैबिटेड प्लेस बट इन अ मिड ऑफ द टू रिवर्स सो दिस एरिया वाज क्लियड एंड हंटर एंड गैदर एंड पेस्टोरल एक्सपेल्ड फ्रॉम देअर हैबिटर सो आफ्टर क्लियरिंग दिस फॉरेस्ट द पर्सन हु आर डिपेंडिंग अपॉन द फॉरेस्ट दे वर अलाउड टू एक्सपेल्ड फ्रॉम देर है वहाँ से उनको हटा दिया गया बाद में ये लैंड प्रेजेंट्स को दिया गया फॉर एग्रीकल्चर और उनको एनकरेज किया गया एंड न्यू फोर्टिंग प्रोटेक्टेड एंड प्रमोटेड द रूट ऑफ रीजनल ट्रेड सो दिस वॉज द फर्स्ट सेट ऑफ कैंपेन सेकेंड सेट ऑफ कैंपेन इज द एक्सटर्नल फ्रंटियर्स ओके okay. बाहरी फ्रंटियर लाइंस को या फ्रंटियर एरिया को कैप्चर करने के लिए सुल्तान ने क्या किया उन्होंने मिलिट्री एक्सपेडिशन यानि मिलिट्री को भेजा और नए एरियाज को ढूंढने के लिए अगर आप आए इस मैप में तो आप देख सकते हैं ये दिल्ली से पहली बार आकर रंथम्बोर गए रंथम्बोर के बाद आपका वरंगल गए थर्टीन जीरो टू टू थर्टीन जीरो थ्री तक और ऐसे एक्सपेडिशन होते रहे और लास्ट में थंजो वो उनका कैंपेन का लास्ट एरिया रहा तो आप देख सकते हैं कितने पैमाने पे ये लोग यहाँ से अपने कैंपेंस को लेके निकले सो दे रीच टू द सदर्न इंडिया स्टार्टेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड दिस एकटेड विद द मोहम्मद तुगलक सो शुरुआत ये आपके अलाउद्दीन खिलजी ने की और उसके साथ तुगलक मोहम्मद तुगलक मिल करके ये कैंपेन को आगे बढ़ाए सुल्तान आर्मी कैप्चर द एलिफेंट हॉर्सेज एंड स्लेव एंड कैरिड अवे द मेटल। सो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ उनको जो भी चीज़ें उन्होंने कैप्चर की उनको उन्होंने सबको कैप्चर किया और अपने साथ उनको ले करके आए बाय द एंड ऑफ दिस बाय द एंड ऑफ दिस द मोहम्मद तुगलक रिजे वन फिफ्टी ईयर्स आफ्टर सम वॉट हम्बल बिगनिंग द आर्मीज़ ऑफ़ द दिल्ली सल्तनेट हैड मार्च अक्रॉस अ लार्ज पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट दे हैड है डिफिटेड आर्मीज़ एंड साइज द सिटी सो उन्होंने बहुत मेहनत की दिल्ली सुल्तान ने उन्होंने पूरा भारतवर्ष घूमा उसके बाद अपने राइवलरीज यानी जो उनके लोग थे उनको उन्होंने लूटा और उनको कैप्चर किया प्लस अपने एरिया को उन्होंने बढ़ाया द सल्तनेट कलेक्टेड टैक्सेस फ्रॉम द प्रजेंट्री एंड डिस्पेंड द जस्टिस इन इट्स रिलीम बट हाउ द कम्प्लीट एंड इफेक्टिव वॉज इट्स कंट्रोल ओवर सच अ वास्ट टेरिट्री सो ये कितना ज़्यादा कंट्रोल कर पाया ये कितना ज़्यादा ये कंट्रोल रह पाया वो हम अभी नेक्स्ट पेज में पढ़ते हैं दिस मैप इज अलाउद इन खिलजीज कैंपेन इन टू अ साउथ इंडिया तो ये कैंपेन आपके अलाउद्दीन खिलजी के साथ मोहम्मद तुगलक ने मिल करके किया अब बात करते हैं मस्जिद की द मस्जिद मस्जिद अ अ मॉस्क इज कॉल्ड दस्जिद इनबिक लिटरली अ प्लेस वेयर अ मुस्लिम इन द रेस ऑफ टू अल्लाह इन अ इनल मॉस्क मस्जिद ए जामी और जामा मस्जिद मुस्लिम रीड देर प्रेयर्स नमाज टुगेदर सो अ मॉस्क अज़ कॉल्ड अ मस्जिद इन अरबिकरबिक लैंग्वेज में हम मॉस्क को मस्जिद कहते हैं जिसका मतलब होता है वो प्लेस जहाँ सभी मुस्लिम इकट्ठा प्रेयर करते हैं और अपने भगवान दैट इज़ योर अल्लाह को वो याद करते हैं कॉन्ग्रेशनल मॉस्क क्या होता है मतलब इसका जब आप एक साथ मिलकर के प्रेयर किया जाता है उसको आप कहते हैं या नमाज पढ़ा जाता है उसे आप कहते हैं कॉन्ग्रेशनल मॉस्क मुस्लिम रीड देयर प्रेयर्स जिसको आप नमाज कहते हैं और वो साथ में पढ़ते हैं इसमें से वो अपना एक लीडर चूज करते हैं विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट दैट इज़ लर्न मेल होता है प्लस रिस्पेक्टेड होता है जिसका जिसको वो दर्जा देते हैं इमाम का जिसको रिचुअल्स ऑफ प्रेयर्स पता होते हैं ही ऑल्सो डिलीवर द समान और द खुतबा ड्यूरिंग द फ्राइडे प्रेयर्स तो एवरी फ्राइडे प्रेयर में वो जो खुतबा पढ़ा जाता है वो इमाम के साथ इमाम के द्वारा ही पढ़ा जाता है ड्यूरिंग द प्रेयर मुस्लिम स्टैंड फेसिंग द मक्का दिस आई टोल्ड यू इन योर प्रीवियस क्लास दैट मुस्लिम फेस टू द वेस्ट साइड बिकॉज मक्का अकॉर्डिंग टू द मैप इज इन द देश दर्ड्स द वेस्ट एंड दिस इज कॉल्ड द इकबला और ये एक छोटा सा दीवार पे बना रहता है जगह उसको देख करके वो पढ़ते हैं अभी अगर हम और बात करें तो दिल्ली सुल्तान बिल्ट अ मॉस्क इन सिटीज ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट दीज डिमॉन्सट्रेशन दे क्लेम्स टू बी अ प्रोटेक्टर ऑफ इस्लाम एंड मुस्लिम तो दिल्ली सुल्तनेट्स ने अपने सब और सब कॉन्टिनेंट में उन्होंने मॉस्क बनाया टू ये बताने के ये दिखाने के लिए कि हम जो हैं प्रोटेक्टर हैं इस्लाम धर्म के या मुस्लिम के मॉस्क ऑल्सो हेल्प टू क्रिएट द सेंस ऑफ अ कम्युनिटी ऑफ अ बिलीवर तो ये मॉस्क इसलिए भी बनाया गया है कि सो दैट वो बता सकें कि हम जो हैं वो अपनी कम्युनिटी पे बिलीव करते हैं प्रोटेक्ट करते हैं एंड हु शेयर अ बिलीव सिस्टम एंड अ कोड ऑफ कंडक्ट इट वाज नेसेसरी टू रेनफोर्स दिस आइडिया ऑफ कम्युनिटी बिकॉज मुस्लिम कम्स फ्राम अ वाइटी ऑफ बैकग्राउंड तो ये भी एक पॉइंट uh, है कि वो अपने मॉस्क अपने सब कॉन्टिनेंट या जहाँ पे वो अपना कैप्चर करते थे वो वहाँ इसलिए बनाते थे सो so दैट वो रेनफोर्स कर सकते अपने आइडियाज़ को अपनी कम्युनिटी को और ये भी दिखाना है कि वो किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं या किस ने ज़्यादा अलग बैकग्राउंड या अपनी कम्युनिटी को वो कितना ज़्यादा आगे प्रमोट करना चाहते हैं अगर हम बात करें मस्जिदों की तो यहाँ पे आपके बहुत ही ज़्यादा पिक्चर्स दे रखे हैं जो कि बहुत ही ख़ूबसूरत तरीके से बनाए गए हैं ये है कुवात अल इस्लाम मॉस्क है एंड मिनरेट बिल्ट ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड ऑफ द ट्वेल्थ सेंचुरी में बनाया गया है दिस वॉज द कॉन्ग्रेशनल मॉस्क ऑफ द फर्स्ट सिटी बिल्ड बाय दिल्ली दे सुल्तान तो ये एक पहला मॉस्क है जो कि कॉंग्रेशनल uh, मॉस्क है जहाँ पे सभी लोग इकट्ठे आके नमाज पढ़ते हैं ये दिल्ली में है ओके एंड जो क्रोनिकलर एज दिल्ली ए हुआना द ओल्ड सिटी द मॉस्क वॉज एंड लास्ट बाय द इल्तुतमिश एंड अलाउद्दीन खिलजी द मीना वॉज बिल्ड बाय द टू सुल्तान कुतुबुद्दीन एबक एंड इल्तुतमिश तो मॉस्क को बड़ा बनाने में अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश ने किया और मीनार जो आपको बीचों बीच ये दिख रहा है इसको बनाने के लिए आप दो सुल्तान उत, कुतुबुद्दीन एबक एंड इल्तुतमिश ने इसका साथ दिया अगर हम बात करें बेगमपुरी मॉस्क ये बिल्ट इन दिस रिजन ऑफ द मोहम्मद तुगलक वॉज द मेन मॉस्क ऑफ जापना द सेंचुरी ऑफ द वर्ल्ड हिज न्यू कैपिटल इन द दिल्ली तो ये मॉस्क उस समय बनाया गया जब आपका जहाँ पना सिटी बिल्डअप हो रही थी अगर हम फिगर फोर की बात करें तो मौत की मस्जिद बिल्ड इन द रीजन ऑफ सिकंदर लोदी बाय हिज मिनिस्टर तो ये उनके मिनिस्टर ने बनाई थी सिकंदर लोदी के एंड द सेकेंड फिगर फाइव मॉस्क ऑफ जमाली Kamali built in the late fifteen twenty. So uh, other than these five, the first Quat al Islam is very important. So please learn it by heart, which is uh, very important from your one marker type question. Now coming to the next topic is a closer look, administration and consolidation under the Khiljis and Tughlaq. Kilji and Tughlaq monarchs, like their predecessors, appointed a military commanders as governor of territories of varying sizes. These territories were called Ikta, and their holders were called Iktedar or the Mukti. So Kilji or तुगलक के समय में आपके जो गवर्नर थे या कमांडर जो अपॉइंट किए गए थे टेरिटरीज़ में तो उसको और बढ़ाया गया जब ये चीज़ या इनकी ये टेरिटरी बढ़ी तो उन्होंने अपने टेरिटरीज़ को इक्ता का नाम दिया और जो इसको होल्ड करता है उसको नाम दिया गया इकतेदार और जिसको आप कह सकते हैं मुक्ति मुक्ति रिस्पॉन्सिबल फॉर लीडिंग देयर मिलट्री कैम्पेट एंड मेंटेनिंग देयर एक्ताज सो मुक्तीस बहुत ज़्यादा इम्पॉटेंट थे क्योंकि वो अपनी एक मिलट्री कैंपेन तैयार करते थे और एकताज यानी कि अपना टेरिटरी को भी वो मैंटेन करते थे सो वेरी रिस्पॉन्सिबल वर्क इज़ ऑन दैड ऑफ मुक्तीस In this closer look, iltutmish favoured their special slaves purchased from the uh, countries where he attacked so for military services. So he so he brought the slaves for the military services and they called in the Persian language Bandagan, trained by the officers under the uh, vigilance of el-tukmish and these slaves were dependent on king okay they were dependent on king upon the king and king trust and rely on them because they have no other uh, contact with the other officers all right here also one thing which is um, uh, listed here slaves rather than the sons so this sultans were advised that you better uh, you better invest in the slaves rather than to the son why he calls so a slave whom one has brought up and promoted must be looked after for it needs a whole lifetime and good luck to find a worthy and experienced slave विस मैन वाइस मैन हैव सेट दैट अ वर्दी एंड एक्सपीरियंस स्लीव इज़ बेटर देन अ सन सो एक एक अच्छा वफ़ादार स्लेव से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं आपका खुद का सन भी नहीं होता है तो ये बात खिलजी ने जो कही है वो अलतुमिश के समय की वो बहुत ही सही है बात करें द खिलजीज एंड तुगलक्स कंटिन्यू टू यूज अ आल्सो रेस्ड पीपल टू हम्बल बर्थ फॉर देयर पोलिटिकल पोजिशन जो ये स्लेव्स के बच्चे होते थे उनको भी वो पोजिशंस अपॉइंट करते थे जनरल्स एंड द गवर्नर्स में दिस ऑल्सो इंट्रोड्यूस एन एलिमेंट ऑफ पोलिटिकल इनस्टेबिलिटी स्लेव एंड द क्लाइंट पर रॉयल टू देयर मास्टर एंड द पेट्रोन बट नॉट टू देयर हायर्स सो स्लेवस जो क्लाइंट होते थे वो रिलाय या ट्रस्टेड uh, होते थे अपने किंग के ही और वो जवाबदेही भी होते थे अपने किंग के ही ना कि जो उनके ऊपर बैठे हुए हैं या उनको वो माने ठीक है एंड नाउ व्हाट इज क्लाइंट समवन हु इज अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ अनदर अ डिपेंडेंट और द देंग ऑन सो इन दैट केस द किंग एंड द स्लेव रिलेशन ओके न्यू सुलतान ओन सर्वेंट सो आफ्टर द नेक्स्ट सुलतान हैव दर ओन स्लेवस सो एवरी टाइम द एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट चेंजेस विद द न्यू स्लेवस एंड सो द कॉन्फ्लिक बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू नोबेलिटीज सो इसकी वजह से बीच में झगड़ा या एक एक डिस्टर्बेंस आ जाता था द दिल्ली सुल्तान मैनी एलिट्स एंड द आथर्स ऑफ पर्शियन तवारी क्रिटिसाइज द दिल्ली सुल्तान फॉर अपॉइंटिंग द लो एंड बेस बोन टू अ हाई अफिस सो क्रॉनिकल्स ये भी लिखते हैं कि दिल्ली सुल्तनीट्स जो थे वो अपने समय के जो पोस्ट थे वो उन लोगों को देते जिनका कोई बेस नहीं होता या जिनके कोई कोई बैकग्राउंड नहीं होता है सो so ये बात जो है वो भी सही है लेकिन अगर बात करें सल्तनेट के हिसाब से तो वो अपने लिए वफादार यानी कि जो उनके लिए ट्रस्टफुल रहें इसीलिए वो अपने स्लेव्स को लाते थे ना कि अपने ही रिलेशंस को वो प्रमोट करते थे हायर स्टेज या हायर ऑफिसर रैंक में मोहम्मद तुगलक के समय में उन्होंने अपने बहुत ही ज़्यादा लोगों को अपॉइंट किया था फॉर पर्टिकुलर वर्क अगर हम देखें जैसे अजीज़ कुमार ये वाइन डिस्टिलर थे फिर फिरोज़ हाजम एक बारबर थे मन का तबका एक कुक थे और बाकी सब तो ये सारी चीज़ें हमें फोटीन सेंचुरी के क्रॉनिकलर थे सियादीन uh, बरानी उन्होंने उन्हों ये चीज़ बताया है कि सुल्तनेट लॉस ऑफ पॉलिटिकल जजमेंट एंड हेज़ इनकेबिलिटी टू रूल तो इस हिसाब से उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है मोहम्मद तुगलक के अपॉइंट्स को लाइक द अर्ली सुल्तान्स लाइक द अर्ली हेयर खिलजी एंड तुगलक Monarchs appointed a military commanders as a governor of the territory varying the sizes and this uh, Muktis about Muktis, Iktas and Iktedar I have told you just a few minutes before. So once again I am repeating it. So ikta is a land and Iktedar the person who was holding the land or so, you can call them Mukti. मुक्तीज हैविंग सम वर्क इज दे हैव टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर प्लस अ मिलिट्री कैंपेन एंड एक्सचेंज फॉर देयर मिलिट्री सर्विसेज द मुफ्तीज कलेक्टेड द रेवेन्यू ऑफ देयर असाइनमेंट्स एज सैलरी सो एक एकता है यानी कि एक लैंड है उस लैंड का जो होल्डर है उसको आप एकदार कहिए या मुक्ति कहिए उनका काम क्या है उनका काम है मिलिट्री कैम बनाना रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना सैलरी के लिए रेवेन्यू इकट्ठा करना जो आपके स्टेट ने बताया है स्टेट कौन जो आपका रूलर है जिन्होंने आपको अपॉइंट किया है इस चीज के लिए सेकंड दे आल्सो पेड देयर सोल्जर्स फ्रॉम दिस रेवेन्यू कंट्रोल ओवर द मुक्ति वाज मुक्तीश वाज मोस्ट Effective if their office was not in inheritable and if they were assigned ikta's for the short period of time before being shifted. These harsh conditions of the service were uh, rigorously imposed during the regime of the Alauddin Kilji and Muhammad bin Tughlaq. Accountants were appointed by the state and to check the amount of revenue collected by the Muktis. So, here this is a uh, this type of function is done by the Khiljis and Tughlaq's time, and to look after the uh, proper work of the areas or ikta's, they appointed their own accountant from the state uh, who will look after the taxes and the revenue collected by the Muktis. Okay, as the Sultan.

अथॉरिटी uh, के अकॉर्डिंग आप इस पोजीशन या इस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए सो so, दखिल जी द स्टेट ब्रॉड द असेसमेंट ऑफ द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू अंडर इट्स ओन कंट्रोल द राइट ऑफ लोकल चीफ टन टू लेवी द टैक्सेज कंसल्ट एंड दे वर ऑल्सो फोर्स टू पे टैक्सेस सो जो लोकल चीफ टन टू लेवी द टैक्सेस जो इनका था

या तीन बंडल्स में रखा जाता था और फिफ्टी परसेंट शेयर जो था वो आपका एज अ टैक्स चला जाता था बाकी में जो फिफ्टी परसेंट है उसमें भी अगर चाहें तो मुफ्तीज भी अपना उसमें हिस्सा ले सकते थे लेकिन ये बात आपके स्टेट तक नहीं पहुंची थी ऑन द कैटल आपके जितने एनिमल्स आपने पाले हैं या आपने डोमेस्टिकेट किए हैं उन पर प्लस आपके हाउस टैक्स पे भी ये चीज चलती थी इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट लार्ज पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट रिमेन आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द दिल्ली सुल्तान येस यू नो दैट कि ज़्यादा इंडिया का एरिया वो दिल्ली सुल्तान के कंट्रोल में नहीं था एज बेंगाल एरिया इज फुल्ली फॉरेस्टेड एरिया विच अ वेरी हार्श वेदर कंडीशन प्लस

कंट्रोल इन दिस एरिया बट ऑल्सो फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन सो उन्होंने ये चीज़ करनी चाहिए उन्होंने कंट्रोल करना चाहिए लेकिन वो कुछ समय तक ही हो पाया बाद में उनको भी अपनी आर्मीज़ के ऊपर थोड़ा सा ये लगा कि ये एरिया उनके कंट्रोल में नहीं हो सकता सो दे जस्ट कंट्रोल दिस एरिया फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम ओके now chieftain and their forest uh, fortification so Ibn Battuta he is a traveler uh, in 14th century he came from Africa and particularly from Morocco very important question uh, from where Ibn Battuta belongs he belongs to Morocco in Africa in which century 14th century so he write about uh, or explain that uh, चीपटेंस समाइम्स उन्होंने चीफटेंस को एक्सप्लेन किया है कई दफ़ा तो उन्होंने ये जिक्र किया है कि वो बम्बूज ग्रोव को कभी कंट्रोल नहीं कर पाए और वो बम्बूज या उस एरिया में नहीं जा पाए जो फोटिफाइड था फॉरेस्टेड तरीके से वाटर जहाँ पे आराम से अ, अ, अवेलेबल था प्लस जहाँ के कैटल्स वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी रिगरेसली Uh, kills the people who enter in their area. So, hence they cannot be uh, subdued and expected by the powerful army. So, here the Ibn Battuta is just referring the Delhi Sultanate how they are unable to control the Bengal area. Okay. Now, oh, he was a traveller so at that time he was uh, moving uh, in 14th century. So, he notices and he just

मंगोल से चंगेज़ खान आ रहे थे जिन्होंने ईरान को कैप्चर किया तो ये सोन आफ्टर ये दिल्ली सल्तनत को भी ये लगा कि हो सके तो मंगोल्स भी अटैक करेंगे दिल्ली पे सो दिल्ली सल्तनत इंक्रीज ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड इन द अर्ली इयर्स ऑफ मोहम्मद तुगलक रूल दिस फोर्स द टू रूलर्स टू मोबलाइज अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी इन दिल्ली विच पोस्ट एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज सो हे How these two uh, Sultans that is in Khilji and Muhammad Tughlaq just uh, listening about the Genghis Khan is coming to uh, has uh, captured the area in Iran. Now he coming to the Delhi so he just increase here power of uh, soldiers and standing armies in the Delhi area he just thinking about that at that time that might be might be the mongols defeat the delhi sultans and this happened we will study in the new second chapter now coming uh, to the uh, difference or the uh, two work of the kings how they were differ or how they were similar we will

द मंगोल आर्मी वॉज डिफीटेड एंड द मोहम्मद तुगलक वॉज कॉन्फिडेंट अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ हिज आर्मी एंड हिज रिसोज टू प्लान एंड अटैक और ही दे फॉर रिस्ड अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी अलाउद्दीन खिलजी का जो कंस्ट्रक्टेड अ न्यू गैरसन टाउन नेम सरी फॉर देयर सोल्जर्स हमने प्रिवियस पढ़ा हुआ है और अगर हम तुगलक की बात करें तो कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू अगरसन टाउन द ओल्ड ऑफ द फोर सिटीज ऑफ दिल्ली वॉज एमटेड और इट्स रेसिडेंट एंड द देयर द रेसिडेंट ऑफ द ओल्ड सिटी वर सेट टू दिस न्यू कैपिटल दौलताबाद इन द साउथ सो दे स्टार्टिंग मेकिंग अ न्यू Okay, so he reached to the south also. Okay, third point. The soldiers had to be fed on, uh, okay, they feed. Uh, so, this was done through the produce of collected as tax from the land be between the Ganga and Yamuna. So, tax is about 50% whatever the collect cultivated. So, produce from the same area were collected as a tax to the feed. the army the same situation for the uh, soldiers soldiers had to be paid alauddin chose to pay his soldiers uh, salaries dete the jisko ekta ekta kaha jata tha same with the mohammad tughlaq also paid his uh, soldiers in cash और उस time अलाउद्दीन तुगलक ने token करेंसी शुरू की थी और जिसका uh, बाद में थोड़ा सा उनको ये प्रॉब्लम हुई लेकिन टोकन करेंसी सम वॉट लाइक प्रेजेंट डे पेपर करेंसी ही कहा जाता है लेकिन उनकी एक गलती ये हुई थी दैट ही मेड दिस टोकन करेंसी विद चीप मेटल एंड नॉट गोल्ड एंड सिल्वर जिसका बाद में उन्हें बहुत नुकसान हुआ अलाउद्दीन खिलजी का जो एडमिनिस्ट्रेशन मेजर है जो उनका उनके उनके राज्य में या उनके स्टेट में जो काम किया जाता था जो रिकॉर्ड या क्रॉनिकलर्स थे प्रेस देर दे रिजीन फॉर इट्स चीप प्राइसेस एंड एफिशिएंट सप्लाईज गुड्स इन द मार्केट ही सक्सेसफुली विथ स्टूड द थ्रेड ऑफ मंगोल इन्वेशंस सो ये बहुत ही सक्सेसफुल माने जाते हैं इनकी जो तरीका है काम करने का एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स जो थे वो बहुत ही अच्छे थे इन कंपैरिजन टू तुगलक Uh, Tugla war failure as campaign into the Kashmir was a disastrous. He then gave up his plan to invade uh, the other area with the large army. Meanwhile, the administrative measures created a complication. The shifting of the people to Daltabad was descendant. The rise of taxes and the famine in the Ganga Yamuna belt leads to spread. ने सबसे पहले अपने लार्ज आर्मी के साथ कश्मीर में इन्वेट किया जो कि एक बहुत ही डिजास्टरस था सेकेंडली तुगलक ने पहले अपने कैपिटल को दिल्ली बनाया फिर दौलता आबाद बनाया हमेशा कैपिटल आपके स्टेट के बीचों बीच रहता है सो दैट यू आर प्रोटेक्टेड देयर द किंग शुड बी प्रोटेक्टेड देयर बट ये चीज़ तुगलक ने नहीं मानी उन्होंने अपना कैपिटल दिल्ली से उठा के साउथ एरिया में कर दिया जो कि एक बहुत ही ज़्यादा गलत था इसकी वजह से उन, उनके जो लोग थे उनको भी दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट होना पड़ा थर्ड the failure the third point which is most failure one is the token currency uh, if you are using a token currency you must use the uh that metal which are not cheap which are not locally available because due to this people try to bake their own tokens okay so this is also the point which make the Tugla failure

After Tuglaks they have the Sayyid and the Lodi dynasty ruled from Delhi to Agra until 15 to 20, 1526. But uh, they just ruled to some part of the area of South India and some states only. Or some yeah, some states only and some uh, uh, part like uh, Jaunpur, Bengal, Malwa, Gujarat, Rajasthan, and the entire South India. एंड देवर फ्लरिशिंग देवर इंडिपेंडेंट रूलर प्रॉस्परस कैपिटल दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड विच सॉ द इमरजेंस ऑफ अलिंग ग्रोथ लाइक द अफगानस एंड द राजपूत तो ये इमरजेंस था आपके अफगानस और राजपूत इसी समय में आए थे इन्होंने Uh, इसके बाद अगर हम बात करें फिफ्टीन फोर्टी से फिफ्टीन फोर्टी फाइव के बीच में आपके शेर शाह सूरी आए थे सो ही स्टार्टेड हिज करियर एज अ मैनेजर इन अ स्मॉल टेरिटरी फॉर हिज अंकल इन बिहार इवेंचुअली चैलेंज एंड डिफीटेड बाय द मंगोल एम्पर हिमा शेर शाह सूरी कैप्चर्ड दिल्ली एंड स्टेब्लिश हिज ओन डाइनेस्टी एंड नेम दैट डाइनेस्टी एज सूरी डायनेस्टी इन द फिफ्टीन In 1540 to 1555, ruled for only 15 years over there. The administration that uh, borrowed elements from the Alauddin Kilji and the made them more efficient, Sersa Suri administration become the model followed by the great emperor Akbar when the consolidated, in, consolidated the Mughal Empire. So, this is the Thing that after your Mughal, after your Muhammad, Tugla, you have a Sayyid and Lodi dynasty, then you have a sirsa Suri that is Suri dynasty. Then, after you came with the Akbar emperor in the consolidated the Mongol empire. Okay, so this chapter is whole about the Delhi sultans or Delhi sultanates. Okay there is might be a confusing about the word sultans or sultanate it's just the same okay okay this is the chapter okay in thirteen uh, 13th to 14th century if this is happening in the india what else is happening in the world so in this blue box the, the three order the piece of God, the knight and the Crusades. So three orders. This three order was uh, the formul, formulate in uh, France. Okay, in the 11th century. अब ये चीज़ है क्या? ये है three order. वो जो prayer करते हैं, वो लोग जो युद्ध में लड़ाई करते हैं, who fight and वो जो को करते हैं। चर्च एंड कंसोलिडेटेड इट्स डॉमिनेंट रूल इन सोसाइटी दिस हेल्प द इमरजेंस ऑफ अ न्यू वॉरियर ग्रोप कॉल द चर्च पैटर्नाइज दिस क्रोप एंड यूज देम टू प्रोपोगेट देअ आइडिया ऑफ़ पीस ऑफ गोड तो इसके साथ उन्होंने अपना पीस ऑफ गॉड का जो आइडिया है वो भी बताया उन्होंने बताया कि वॉरियर्स को कि मुस्लिम पे अटैक ना करें जो जरूसलम में कैप्चर्ड हो चुके हैं वो आ, वो तो कैप्चर्ड हो गए बट दे हैव नो आ, fight or they have no uh, conflict with the Muslims okay so this leads to the ser series of the campaign called the Crusades the campaign in the series of God and the church completely altered st uh, status of night and originally these these Knights did not belong to the class of nobles but by the end of the 11th century in the france and a century later in the germany the humble origins of these warriors were forgotten by the 12th century noble also wanted to be known as knights so these warriors or the people who fight in the war they were not the noble people they just a normal person who were just a, uh, working on the uh, on the three orders okay they were uh, very important at that time so this was the chapter which i explained and i know this is a very difficult chapter and the long one but this is very very important for the next chapter because history is always having the previous knowledge so the next chapter is about the mughal dynasty so before that you must know about the delhi sultans okay so i will provide you the classwork uh, homework plus your homework and the and the writing things which you have to write in your classwork copy it is in the PDF file. If any doubt, please text in the group. Thank you, class. Have a good day.